देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। कल छठे दौर की वोटिंग होनी है, जबकि 1 जून को सातवें और आखिरी दौर का मतदान है। भारत एक्सप्रेस चुनाव को लेकर पहले दिन से जनता के बीच है और जनता की राय को आप तक पहुंचा रहा है। इस बार भारत एक्सप्रेस ने राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से उनकी राय जानी। आपको सुनाते हैं जनता की राय, जनता की जुबानी। जो गठबंधन के साथ जो अदर पार्टीज हैं मिलाकर चल रही हैं, तो उसका अभी तो कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन जो हमारा मोदी सरकार ने जो काम किया है, मैं यूपी से आता हूं तो मैं यूपी के बारे में बताऊं। मेरठ से तो क्राइम का ग्राफ यूपी में आज बहुत कम है। एक महिला सुरक्षित है, रात को 12 बजे वो जा सकती है सड़क पर, कुछ भी काम करती है। तो इलेक्शन में क्या है, बीजेपी का ही ज्यादा माहौल सही चल रहा है। अगर हम यहाँ बात करें कि फ्रिंज बेनिफिट, जिसको हम कहते हैं कि आप मुफ्त में लेके जाएं, ये लेके जाएं, उससे जनता नहीं प्रभावित होती है। केजरीवाल जी ने कुछ काम किए हैं, लेकिन मैं मोदी जी के समर्थन में इसलिए हूँ क्योंकि हमने अपने, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, मेरठ से हूँ मैं, हमने देखा है कि हमारा मेरठ किस तरीके से डेवलप हुआ। पहले लोग मेरठ के नाम से डरते थे। अगर मतदाता के हिसाब से देखूं तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगी जो मेरे बेटरमेंट के लिए काम कर रही है, जो हमारी सोसाइटी को अच्छे से सपोर्ट कर रही है। आजकल लोग समझदार हैं, वो देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है और पहले क्या होता था और अब क्या होता है। तो अब सबको अपना अपना पता है कि मुझे किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। हमारे भारत में पहले बम ब्लास्ट होते, जगह जगह होते थे, कहीं भी है कसाब जैसा आदमी घुस जाते थे, पत्थरबाजी होती थी उस टाइम पे, अब सैनिकों के पता नहीं कितने। आज के टाइम क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही, आज क्यों नहीं बम ब्लास्ट हो रहे जगह जगह। मतदाता के तौर पर क्या है कि वोट देना चाहिए मतदाता को, कितनी भी परेशानी आए, मतदान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सोचना चाहिए। मोदी ने क्या नहीं दिया है, अभी मोदी जी ने राम मंदिर, 500 साल का इतिहास, जो कलंक था, जो हिंदू समाज जिसमें सोया हुआ था, उस राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। धारा 370 जो इनके समय में लागू, 1992 में लागू हुई थी मैडम, 1952 में लागू हुई थी, केवल एक देश को बांटने का षड्यंत्र था, तुष्टिकरण की राजनीति थी। वहाँ धारा 370 हटाई है मोदी ने, 35 ही हटाया है माननीय अमित शाह ने। और किस धर्म की बात करते हैं लोग, पूरी सुरक्षा दी है देश को उन्होंने, स्वाभिमान दिया है देश को। डेवलपमेंट तो हो रहा है, तो दिख, जिसको नहीं दिख रहा अब क्या किया जा सकता है। हमारे हरियाणा में ना हुड्डा साहब ने इतना काम किया है कि कांग्रेस याद दिला दी लोगों के। एक अपना दीपेंद्र जी हैं आगे हुड्डा साहब है, पूरा हरियाणा है ना, आज इलेक्शन में देखियो एक तरफी पूरा मोल ऐसा बना दिया कांग्रेस का हुड्डा साहब ने। 2014 में भी गैर सब्सिडी का सिलेंडर मिलता था 800 रुपये में, आज मिल रहा है 950 रुपये में। तो 10 वर्षों के बाद अगर 150 रुपये रेट बढ़ा तो उसको क्या बोलिएगा, ये तो बढ़ना ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मोदी सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ अच्छे काम भी किए उनके इनिशिएटिव से ही ये पॉसिबल हो पाया है, तो ये तो अच्छा काम किया है, पर बहुत जगह उनको अभी और काम करने की ज़रूरत है। हम लोग तो बिहार से हैं, बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है। हाँ बताइए, हम लोग सर्व मार्गेश नष्टे शिव कलौचक हल धर्मिणी पाषंड प्रचुर लोके कृष्ण एव गतिर्मम। ये कृष्ण की सोच लेके मोदी जी आज अपने सामने है, अपने पास विकल्प ही नहीं है, कोई है विकल्प? हमारे देश में जो चल रहा है उस बात से मैं सहमत हूँ कि नहीं, मोदी है तो सब कुछ है। सबसे पहले क्या सब आई सब सब तो नहीं था, बेरोजगारी तो पहले से था, पलायन का समस्या सबसे पहले से ही है, और ये बेरोजगारी किसकी देन है, लालू प्रसाद की देन है। आज सारे बिहार का लोग अगर बिहार पहुँच जाए तो बिहार में तो मिट्टी भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, सब रोजगार में एकदम कमल खेलेगा सर, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्योर सिलेक्शन शुड बी सिलेक्टेड। हम लोग को चूंकि प्रधानमंत्री का चुनाव करना है, कमलेश पासवान से बढ़िया सांसद हमारे क्षेत्र को नहीं मिल सकता है, तो हम लोग का मन एकदम बना हुआ है। हम बाबा के गृह जनपद में रहने वाले हैं, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है, जहाँ का मुख्यमंत्री ही बाबा हों वहाँ विकास नहीं होगा तो होगा क्या। चुनाव में क्या लगेगा, अभी जो पहले जैसा था वैसे आज भी है, अब बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं, क्या बदलाव है, बेरोजगारी है, आज भी गाड़ी कल भी चला रहे थे आज भी चला रहा हूँ। शिकायत तो लोगों में रहती है, लेकिन जब पूरा उसका डिटेल देखा जाए तो अंततः ये समझ में आता है कि इससे अच्छे नेता हमको नहीं मिल सकते। बिजली का रेट कितना है, कांग्रेस के शासन में कितना था और बीजेपी के शासन में कितना है,
महंगाई चरम सीमा पर 400 मिल रही है। पहले तो बिजली देखना पड़ता है, सिलेंडर भी मिल रहा है लेकिन 800 रुपया मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। वो समय तनख्वाह मिलत रहे मास्टर के 900, आज मिलत है 70,000। 1947 में है का बाबा? 47 में नहीं, मैं 87 की बात कर रहा हूँ। 900 रुपये सैलरी थी मास्टर। अब अच्छा है भैया, और हमें लगता है कि निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है, और शायद मुझे जहाँ तक ज्ञान है तीसरी बार वही महोदय भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं।